जसपुर विकासखंड सभागार में उद्यान विभाग द्वारा जिला योजना अंतर्गत आयोजित मौन पालक विषयक परीक्षण में मौन पालन केंद्र जौलीकोट से आए श्री हरीश चंद्र दबोडिया मधु विकास निरीक्षण द्वारा मौन पालन के संबंध में विस्तार जानकारी दी। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में एप्सी मेलिफेरा प्रजाति के मौन पालने को लेकर भी चर्चा की, क्योंकि इस प्रजाति के मैनों में शहद उत्पादन क्षमता आई प्रजातियों से अधिक होती है। मौसम के अनुसार खिलने वाले स्थानों पर मौन बॉक्स रखने से शहद का उत्पादन अधिक होता है। शंकरलाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर द्वारा बताया गया कि उद्यान विभाग 80% अनुदान पर मौन बॉक्स उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अधिक मौन बॉक्स को लेकर शहद उत्पादन करके अपनी आय बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही श्रीमती नेहा वर्मा ने उद्यान विभाग की योजना की भी विस्तार में जानकारी दी है। कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। 7 ब्लॉकों में मौन पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज जसपुर में मौन पालन विषयक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें हमारे जौलीकोट से जो हमारा जौलीकोट में मौन पालन का केंद्र है, वहाँ से मुख्य मौन निरीक्षक श्री हरीश दुबड़िया जी आए थे। उन्होंने मौन पालन के बारे में विस्तार से किसानों को प्रशिक्षित किया और मौन उत्पादन करने की सलाह दी। विभाग द्वारा 80% राशि सहायता दी जा रही है। 4,000 रुपये का मौन बॉक्स पूरा कंप्लीट, जिसमें मौन भी होते हैं, किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। 20% 4,000 रुपये का 20% 800 रुपया किसान से मात्र लिया जाता है, जिससे किसान अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।